भगवान वाल्मीकि के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ थाने में दिया शिकायती पत्र। विश्व हिंदू परिषद महानगर के कार्यकर्ताओं ने मशहूर शायर लेखक मुनव्वर राणा द्वारा भगवान वाल्मीकि जी पर कहे गए अपशब्द को लेकर थाना सिविल लाइन में शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही पर भारत के मशहूर उर्दू शायर लेखक ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तालिबान अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उसी प्रकार कार्य कर रहा है जिसे भारत में आज़ादी के परवानों ने किया था। उन्होंने अपने इस कथन में आज़ादी के पुजारियों की तुलना तालिबान से कर दी। साथ ही हिंदू धर्म के पूज्य भगवान वाल्मीकि महाराज के विषय में कहा कि वो पहले तालिबानी थे, समय के हिसाब से बदल गए। इसी प्रकार हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता भगवान वाल्मीकि को भी तालिबानी कहकर पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद मुनव्वर राणा के इस कथन को लेकर उग्र होता दिखाई दे रहा है। इस विषय को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मुनव्वर राणा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने सिविल लाइन थाने पहुंचे तथा थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपकर मामले में जल्द ही कार्यवाही की मांग की है, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्या नाम आपका? मैं वरुण शर्मा जी, और मैं विश्व हिंदू परिषद का मुरादाबाद का जिला मंत्री हूँ। यह थाने आया, क्या है मामला पूरा? आज हम सिविल लाइन थाने में जो उर्दू के शायर हैं मुनव्वर राणा, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने दीपक चौरसिया द्वारा चल रही डिबेट में उन्होंने हमारे इष्ट देव महर्षि भगवान वाल्मीकि को उन्होंने डाकू कहा। उन्होंने ऐसा अपशब्द हमारे इष्ट देव के लिए कहा है, इसका विश्व हिंदू परिषद घोर निंदा करता है और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने आज सिविल लाइन थाने हम आए हैं। और अगर उन्होंने अपने बयान से माफ़ी नहीं मांगी तो विश्व हिंदू परिषद पूरे मुरादाबाद के अंदर आंदोलन का रूप देगा और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेगा। नवदीप कुमार जी, क्या मामला थाने आया है? ये मुनव्वर राणा जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, इन्होंने त्रिकाल दत्त भगवान वाल्मीकि जी के लिए जो अपशब्द कहे हैं, हम सभी विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ एक तहरीर देने आए हैं। हम चाहते हैं उनके खिलाफ़ जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो, क्योंकि वो हम हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के बिना श्री राम जी अधूरे हैं और श्री राम जी के बिना भगवान वाल्मीकि जी अधूरे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के जनक हैं त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी। इस तरह के मुनव्वर राणा हमारे देश का कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे देश की जनता को नहीं क्या कर पाएंगे। क्या मांग करते फिर आप? हम शासन प्रशासन ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ सख्त धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत हो और इनको जो है सख्त से सख्त सजा मिले।